आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम इग्नू की तरफ से जारी किए गए एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए इग्नू की तरफ से गूगल फॉर्म रिलीज किया गया है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली के रीजनल सेंटर 1 की तरफ से यहाँ पर सभी स्टडी सेंटर के लिए एक नया गूगल फॉर्म रिलीज कर दिया गया है दिसंबर एग्ज़ाम के असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए। इससे पहले सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि शिमला रीजनल सेंटर भी अपने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के लिए असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए एक गूगल फॉर्म जारी कर चुका है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप सीधा शिमला रीजनल सेंटर से वो फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपने उसको डाल दिया है, वहाँ पर से भी आप उस गूगल फॉर्म में जा सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी तरीके के जितने भी रीजनल सेंटर के अंदर स्टडी सेंटर आते हैं यहाँ पर, उन सभी के कोड के साथ यहाँ पर उनका गूगल फॉर्म जो है वो जारी किया गया है और जानकारी दी गई है कि कहाँ पर आपको सबमिट करना है। कुछ ऐसे रीजनल सेंटर भी है जहाँ पर ऑफलाइन सबमिट करना है, तो उनके आगे साफ साफ बताया गया है कि आपको यहाँ पर इस जगह पर आकर ऑफलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना होगा। यहाँ पर लास्ट में एक जानकारी और भी दी गई है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे सभी लर्नर जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन से पहले अपना रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करवाया था और उस समय जो उनका स्टडी सेंटर कोड था वो अगर उनको यहाँ पर नज़र ना आए तो वो दिल्ली रीजनल सेंटर 1 के स्टूडेंट इस लिंक पर भी अपना असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना अपना जो स्टडी सेंटर है उसके हिसाब से अपने असाइनमेंट्स को गूगल फॉर्म या फिर ऑफलाइन सबमिट कीजिए। उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोई भी स्टडी सेंटर के कोड में दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 0700 जो है उस पर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। 0700 जो है वो सबसे नंबर 1 वाला है जो कि असल में आपका जो मथुरा रोड वाला रीजनल सेंटर यानी कि दिल्ली रीजनल सेंटर 1 का जो हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है, उसी का ही पता यहाँ पर दिया गया है और उसका एक फॉर्म दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई दिक्कत है उनके स्टडी सेंटर के लिए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली 0700 मथुरा रोड जो दिल्ली रीजनल सेंटर 1 का है उसके गूगल फॉर्म में ही सबमिट कर देंगे, तब भी आपको आपका असाइनमेंट चेक कर दिए जाएंगे। साथ में ये चीज़ लिखी हुई है कि असाइनमेंट एक ही बार सबमिट कीजिए, बार बार असाइनमेंट को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये दूसरा ऐसा रीजनल सेंटर है जिसकी तरफ से असाइनमेंट सबमिशन का जो गूगल फॉर्म है वो रिलीज़ किया गया है। इससे पहले शिमला रीजनल सेंटर ने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने का लिंक जारी किया था और अब दिल्ली के रीजनल सेंटर 1 की तरफ से ये जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट इस समय 30 सितंबर 2022 है, तो आगे आने वाले समय में और भी रीजनल सेंटर अब अपने अपने गूगल फॉर्म या फिर ऑफलाइन किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करना उसकी जानकारी देते रहेंगे, तो इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको